डियर व्यूअर्स, सरकार प्रायोजित उत्कर्षर एई ऑनलाइन क्लास को समर्थन को स्वागत। डियर व्यूअर्स, गत ऑनलाइन क्लास रे आम माने एक सुंदर तरीका माध्यम रे नाउन को आसीथिले एवं नाउन को किभली भाव में चिन्हट करा जाय परिब ए संक्रांत रे नाउन रो तीनोटी लक्षण उपर आम आलोकपात करथिले। मने पड़ुछ विकास ज्योति सब मन अच्छे तो धन्यवाद। तथापि मु सेटा को टिके समाप्त कर दउछि। फर्स्ट नाउन रो लक्षण आम माने जानिथिले जे नाउन वाक्य रो सब्जेक्ट द्वितीय गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक को आम आसीथिले नाउन भर्ब रो ऑब्जेक्ट भाव में मध्य रही पारिब। तृतीय इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को आम आसीथिले नाउन कॉम्प्लीमेंट मध्य होई पारिब। एक क्षेत्र में दुईट एग्जांपल आम नहींथिले गोटे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट गोटे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। डियर व्यूअर्स, मुझे आशा करूँ कि ये समस्त भूली नहीं। वर्तमान आम आउ केतक गुरुत्वपूर्ण लक्षण को आसवा तापरे आउ एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय को आसवा जोटा आम से ही जान। डियर व्यूअर्स, तीनोटी लक्षण सहित आम परिचित होती। वर्तमान आम आसवा चतुर्थ गुरुत्वपूर्ण लक्षण। चतुर्थ गुरुत्वपूर्ण ताहा होची प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। डियर व्यूअर्स, नाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मध्य ही करिबो। सब्जेक्ट केमती होची हमें जानिले, ऑब्जेक्ट केमती होची हमें जानिले, कॉम्प्लीमेंट मध्य जानिछोंती। वर्तमान गुरुत्वपूर्ण नाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मध्य ही करिबो कि भली भाव रे। लेट मी राइट ए सेंटेंस। He put the book on the table. Dear viewers, you go deep into this sentence. He put the book on the table. He एटी प्रोनाउन सब्जेक्ट पोजिशन रही। जदि आम बुक को आसवा बुक सीधा सड़ख ऑब्जेक्ट फंक्शन करुच्ची ऑब्जेक्ट हो नाउन। किंतु जदि मु टेबुल को आसवी तेब ए टेबुल निश्चित भाव एक नाउन। व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट फंक्शंस आज दी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन कारण ऑन एट होची प्रीपोजिशन। तो ऑन प्रीपोजिशन पर रही करी टेबल नाउन है। तेरो टेबल को आम कही पारिबा इट इज ए नाउन फंक्शनिंग आज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। डियर व्यूअर्स, आमर जत्ते गुड़िए नाउन अछि अतीत माने पढ़ी चंती तल क्लास रे पढ़ी चंती प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रत्येक नाउन मध्य एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हे करिवो। हम वर्तमान आमे देखिबा मु गोटे एग्जांपल दउ छी कि भले भाबरे प्रॉपर नाउन मध्य आइके आसी पारिवो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भाबरे। I am angry. I
I am angry with Rama. There we also look at this sentence. I pronoun subject function करीची. किंतु Rama ये मध्य pronoun. तब why is it Rama? Rama इटा proper noun इटा समाते जाहिर चलते. तब इटा Rama कौन पाय noun है ची? Because apple बोलो रहें ची preposition. So it is your a noun plus a preposition object. टेबुल टेबुल प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट रामा दुई प्रकार नाउन को देखिले कि भले भाबरे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट होचे एई भले भाबरे सब प्रकार हमरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन मध्य हे करिबो कलेक्टिव नाउन हे करिबो मटेरियल नाउन मध्य हे करिबो डियर व्यूअर्स वर्तमान आमे नाउन को चिन्हिवार चतुर्थ लक्षण देखिले जे नाउन प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मध्य हेई पड़ुछे डियर व्यूअर्स वर्तमान आउ एक गुरुत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर आमे आलोकपात करिबा तहा हुचे वर्तमान इट इज आवर फिफ्थ इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नाउन That is opposition. तेणु नाउन अपोजिशन भाव में व्यवहृत हो कौन से शब्द जदि अपोजिशन भाव में रही आम नाउन कही पारोजिशन गोटे नाउन को डिस्क्राइब करने कि शब्द व्यवहार है अपोजिशन कही था जबरे भावरे लुक एट दिस सेंटेंस राम कमा किंग ऑफ अयोध्या तेणु वर्तमान एटे राम एटा निश्चित भावरे नाउ किंतु एटा सब्जेक्ट पोजीशन में नहीं कारण किंग ऑफ अयोध्या ताल ताल व्यवहार है चीज नहीं नवा लगे तेनु वर्तमान एटा होचे अपोजिशन नाउन प्लस अपोजिशन नाउन प्लस अपोजिशन डियर व्यूअर्स वर्तमान में नाउन और समस्त लक्षण जानी रहे जो जे कौन से शब्द जदि सब्जेक्ट भाव में रही पारुचे जदि ऑब्जेक्ट भाव में रही पारुचे प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट भाव में रही पारुचे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पारुचे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पारुचे एवं अपोजिशन में रही पारुचे आखि बुझी कहि देबे ए समस्त होउचे नाउन ठीक अछि तहा प्रॉपर नाउन हो बा कॉमन नाउन हो बा कलेक्टिव नाउन हो कलेक्टिव नाउन निश्चित भाव में जान थो जो समूह को बुझाए क्लास जड़े थो क्लास कह समूह ऑडियंस दर्शक जड़ को लेकर ऑडियंस ऑडियंस हवाक अनेक दरकार ये हूँ कलेक्टिव नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा मध्यम देखे जहाँ को देखी हबनी छुई हबनी केवल अनुभव कर गुडनेस तेनो ता प्रॉपर नाउन हो कि कलेक्टिव नाउन हो कि मटेरियल नाउन हो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सब नाउन ए पांचटी पोजीशन रे ही रहंती वर्तमान आमे नाउन को संपूर्ण भाव रे जानि गले वर्तमान मु एक गुरुत्वपूर्ण पॉइंट को आसीबे व्हिच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट डियर व्यूअर्स मु वर्तमान जहाटा लिखी ब्लैकबोर्ड रे एटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एपरी कि ए पांचटी पोजीशन फॉर मध्य आहुरी गुरुत्वपूर्ण एटा माने रखिबा डियर व्यूअर्स फर्स्ट यू लुक एट दिस वन जेरोन निश्चित भाव रे कहीं ना कहीं
ए शब्द सहित परिचित हेथिबे जेरन इमिति एक शब्द जहां मध्य नाउन भाव रे व्यवहृत हुए कौन जेरन डियर व्यूअर्स भर्ब प्लस आईएनजी भर्ब रो बेसिक फॉर्म रे आमे जेता बळे आईएनजी फॉर्म ता देले जोड़ी दोचु गुरुत्वपूर्ण कन्सेप्ट भर्ब रे आईएनजी फॉर्म योग करबा द्वारा आमे पाई परबा जेरन फॉर एग्जांपल मने करा जाओ भर्ब हला स्विम स्विम प्लस आईएनजी स्विमिंग यू नो प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग यू नो तेनो भर्ब रे आईएनजी फॉर्म योग करबा द्वारा ताहा तीनोटी फॉर्म रे आसी परबा डियर व्यूअर्स एटाको खाली मन रखो भर्ब रे आईएनजी फॉर्म योग करबा द्वारा जहाटा हबो ताहा तीनोटी फंक्शन करि परबो वे त ताहा भर्ब फॉर्म रे आसी पारे ता भर्ब हे परबो द्वितीय रे ताहा हुए का एडजेक्टिव हे परबो तृतीय रे ताहा हुए का नाउन हे परबो तनो केते गुरुत्वपूर्ण कथा दिए भर्ब सहित आईएनजी फॉर्म योग करले आमे तीनोटी पाइबा हुए ता ताहा भर्ब हव एडजेक्टिव हव किमा नाउन हव तबे जेहेतु भर्ब आईएनजी फॉर्म योग होउचे निश्चित भाव रे समस्त जानि पारिबे जे एटा भर्ब किंतु डियर व्यूअर्स एटा सब बेले भर्ब नु ह एटा मध्ये एडजेक्टिव हे करबो एटा मध्ये नाउन हे करबो भर्ब सेतिक बेले हव जेते बेले एटा को आमे जानि छु एटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म रे वी प्लस आईएनजी रहे ही इज प्लेइंग सेटी भर्ब सी इज डांसिंग से भर्ब किंतु मु कहिबे डियर व्यूअर्स डांसिंग इज आर एडी कोन डांसिंग भर्ब कि सेइ तो डांस के तो नहीं दे रही छि किंतु हे भर्ब न हो एटा कोन वर्तमान मु कहिबे नहि कारण मोर केवल गोटिए ऊपर कंसंट्रेट करबा लागि समर्थक मु निवेदन करबि ता हो छि जेरन जेरन हो छि भर्ब रे आईएनजी फॉर्म रहिबा द्वारा जदि ताहा नाउन रो फंक्शन करे जेहेतु आमे नाउन पढु चंति आमे जेरन को आसी चंति इति पई जे जेरन इज ए नाउन सो व्हाट इज ए जेरन भर्ब रे आईएनजी फॉर्म जोग हेले जदि ताहा नाउन रो फंक्शन करे डियर व्यूअर्स राइट ऑन दिस इफ आईएनजी फॉर्म ऑफ ए वर्ब एक्ट्स एज ए नाउन That is called gerund. ताको gerund बोले कुआँ। तेरो वर्तमान एक दिन तक आमे खटी दबा, बहुत बार एक दिन भी खटी दबा, आज एक दिन कितना बड़ा होची, केमी दियो ची ताहले पर अकेले जानी बा आमे के बड़ा एक नाउन को ऐसी बा। बहुत बड़े आई एन जी फॉर्म में वही ले ताहम अब नाउन नहीं करी बस जितना बड़ा ताह नाउन आवा तक आमे कोई का gerund। Is it clear? तेरो जो gerund ताहा नाउन बोले आमे केमी जानी बा जदि ए पांचटी पोजीशन रे रही परिबो जदि सब्जेक्ट हे परिबो जदि ऑब्जेक्ट हे परिबो जदि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हे परिबो जदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हे परिबो जदि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हे परिबो जदि अपोजिशन हे परिबो तबे हमें मानि नबा ए समस्त हब नाउन डियर व्यूअर्स नाउ सी Walking is an exercise. Here we have to look at the sentence. Walking is an exercise. Walking की बड़ी भावना तैयारी है जी. Walk भाव बने ing जो का है जी. किंतु इधर का भाव की भाव बनो का ना भाव इधर is भाव बना function करो जी. तो what is walking? भर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म
नाउन रो फंक्शन करूची तेनु एको आमे कहि परिबा एटा जेरंड जोटा को भरवा नाउन बोली मध्य कहि परिबा जोटा को जेरंड बोली कहा जा तेनु वर्तमान वाक्य हला नाउन तबरे ए वाकिंगटा सब्जेक्ट फंक्शन करूची कारण नाउन सब्जेक्ट फंक्शन करि परिबो वर्तमान आमे देखिबा एटा को ऑब्जेक्ट पोजीशन करबा Working, you see, working. प्रश्न नंबर What do you like? What प्रश्न नंबर उत्तर रहा सोचे तेरे एक ऑब्जेक्ट. तेरे सब्जेक्ट आप सोचे, ऑब्जेक्ट में ध्यान सोचे. एक बड़ी भाव है, मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट यानी तेरे का कंप्लीमेंट मतलब आप बना रहे यानी पहली बात. Dear viewers, वर्तमान हमें जेरन को के बड़ी भाव है, जेरन के बड़ी भाव है, नाउन है, असोचे सब्जेक्ट फंक्शन करूचे, ऑब्जेक्ट फंक्शन करूचे, यहां हमें जानेंगे. वर्तमान आउट का गुरुत्वपूर्ण नाउन को आशीबा ताहा उचे टू प्लस इनफिनिटिव तेरु भाव बना टू प्लस इनफिनिटिव फॉर्म ऐडा एक भाव किंतु ऐडा नाउन का फंक्शन मध्य करी था तेरु जनरल से बड़ी भाव बने नाउन हो ची भाव सहित आई भी फॉर्म में आशुची ऐठी भाव भपुर बोरु टू रखी करी मध्य एटा को हमें नाउन भाव रे रखी करीबा एकर के बड़ी भाव रे टू एयर इज ह्यूमन वाक्यर अर्थ भूल करीबा मनुष्य स्वभाव यू सी टू एयर वर्तमान एटा नाउन भाव रे आसीचे एटा वर्ब किंतु नाउन भाव रे व्यवहार हेचे को पोजीशन ने अछि सब्जेक्ट पोजीशन ने उसे सब्जेक्ट पोजीशन में थाई करी एटा नाउन हेचे वर्तमान द्वितीय को आसीबा आई लाइक टू प्ले आई लाइक टू प्ले डियर व्यूअर्स एटी आई सब्जेक्ट पोजीशन में रही छी प्रोनाउन ते किंतु एटी टू प्ले एटा एक वर्ब हेले मध्य एटी वर्ब और फंक्शन करू नाही एटा ऑब्जेक्ट पोजीशन में एटा रही छी व्हाट डू यू लाइक आई लाइक टू प्ले तेन वर्तमान आमे जानिले जे जेरंड मध्य एक नाउन टू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म मध्य नाउन भाव रे आसुची कारण भर्ब रे आई डी फॉर्म जोग हेले ता बेले बेले सब्जेक्ट स्थान रे रहि करूची बेले बेले ऑब्जेक्ट स्थान रे रहि करूची टू प्लस इन्फिनिटिव फॉर्म रे भर्ब मध्य बेले बेले सब्जेक्ट पोजीशन रे रहि करूची बेले बेले ऑब्जेक्ट पोजीशन रे रहि करूची तेनो ए समस्त मध्य नाउन भाव रे आसी फरिबो डियर व्यूअर्स एति सहित नाउन रो लक्षण एवं नाउन क्यों गुड़ी का नाउन ही परुचंती तहा में माने जाने ले तो ना हमें जब केवल प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन आर ऊपर हमें जाने था तो हुए तो जेरंड ता भी करे ठीक भाव रहे ऐसी पारी न था ता तो ना हमें जेरंड एक बार टू प्लस इनफिनिटी का भाव को मात देखी बड़ी भाव रहे नाउन आशुची तो ना जोटा ही नाउन हवा तहा जे कोनो से पांचटी कैरेक्टरिस्टिक्स रो गुटे दुटी कैरेक्टरिस्टिक्स अनुथिबो आमे वर्तमान जेरन एवं 2 प्लस इनफिनिटिव रा भाव को वर्तमान देखिले दुटी कैरेक्टरिस्टिक्स एटी सब्जेक्ट हे करूची एटी मध्ये सब्जेक्ट हे करूची तेनो ए समर्थ मध्य नाउ डियर व्यूअर्स आमे माने नाउन रा तरीका सहित किछि ता परिचित हले किंतु एटा तो भास्ट नाउन रो नंबर आमे जानि पड़िबो नाउन रो जेंडर जानि पड़िबो परवर्ती क्लास रा माने ता सब जानिबा हियर वी ट्राई पुट फुल स्टॉप ऑन माय ऑनलाइन क्लास डियर व्यूअर्स बिफोर सेइंग यू गुड बाय आई प्लेस थ्री रिक्वेस्टेस प्लीज लाइक माय चैनल प्लीज शेयर माय चैनल टू योर नियर एंड डियर वंस सो दैट अदर कैन गेट द फैसिलिटी of knowing all this and please subscribe my channel and give me encouragement so that I will get encouragement and I can proceed further and further
I can be prepared to bring several important inspiring videos for you. Thanking you all.